हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का दीप्सावन क्यूब पे। आज पितृ पक्ष का लास्ट डे है तो मैंने कुछ खाना बनाया है। जैसे कि जो भी खाना बनाया है मैं वो सारा वीडियो में आपको दिखा देती हूँ आगे। लेकिन इसमें खास रेसिपी जो है वो है परवल आलू की सब्जी, जो मैंने निरामिष बनाया है, यानी कि बिना प्याज लहसुन का, सिर्फ गरम मसाला, जीरा आदि पे। ठीक है, तो आगे आइए मेरे साथ और देखिए सारा वीडियो आगे का। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को परवल का सब्जी बनाना दिखा रही हूँ। जैसे कि परवल का निरामिष सब्जी, मतलब बिना प्याज लहसुन का, परवल और आलू का, जीरा आदि गरम मसाला डाल के मैं दिखाती हूँ आपको आगे। तो ये है जीरा आदि और गरम मसाला पीस, जीरा आदि पीसा हुआ, गरम मसाला का पाउडर दूंगी, पाउडर पीस के रखी हूँ मैं। बस ये तीन चम्मच है इस चम्मच से। ठीक है, फिर मैं इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच नमक या अपने स्वाद अनुसार, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा नहीं होता है, बस वो होता है कलर के लिए होता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के सबको मिला लेती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं, अब इसको मिला लेते हैं, घोल बना लेते हैं। इधर मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है, अब मैं इसमें तेल थोड़ा सा डाल देती हूँ परवल फ्राई करने के लिए। तीन चार स्पून थोड़ा सा तेल और कड़क हो जाए, फिर मैं इसमें परवल डालूँगी फ्राई करने के लिए। ये है गरम मसाला का पाउडर आधा टेबल स्पून। तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें परवल डाल देती हूँ। थोड़ा देर के बाद इसमें नमक डाल देती हूँ, ढक देती हूँ इसे और गैस का हीट को थोड़ा कम कर देती हूँ। अब मैं परवल को एक बार चला लेती हूँ। अब मैं इसे नहीं ढकूंगी, अब थोड़ा सा इसमें नमक डाल देती हूँ, आधा टीस्पून के लगभग। आज चूँकि पितृपक्ष का लास्ट ये है, अमावस्या है, आज लास्ट डे है मतलब पितृपक्ष का, तो एक ब्राह्मण को हम लोगों ने खाने के लिए बोला है, उसी के लिए ये मैं निरामिष सब्जी बना रही हूँ आज। पूरी खीर, परवल आलू की सब्जी और चठेल का भुजिया बनाऊँगी। ठीक है, मैं सारा खाना बना के आपको दिखाऊँगी। फिलहाल मैं परवल की सब्जी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, तो परवल लगभग फ्राई हो गया है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर मसाला डालूँगी इसमें, तेज़पत्ता और पचफोरन, थोड़ा सा चीनी और ये जो मसाला का घोल बना के रखी हूँ, और ये मैं अभी आलू छील रही हूँ। ठीक है, और आज है बुधवार और तारीख है 6 तारीख, 6 अक्टूबर, और टाइम हो रहा है 11:08। ठीक है, मैं परवल निकाल लेती हूँ। ठीक है, मैंने निकाल लिया है, तो परवल भुजा हुआ है, ये तेल बचा हुआ है थोड़ा सा, मैं इसमें पचफोरन और तेज़पत्ता डालूँगी। ये परवल फ्राई किया के जो मैंने निकाला है, ये है परवल, देखिए ठीक है। अब मैं इसमें फोरन डाल दूँ, तेज पत्ता भी,
और ये जो मसाला का घोल बना के रखे हैं वो। ये कटोरी में मैंने जो रखा था मसाला उसे मैं धो के पानी डाल दी हूँ। थोड़ा फ्राई हो रहा है अभी, ठीक है। थोड़ा कम हीट करके कर रही हूँ, मीडियम हीट पे। और ये है परवल आलू, आलू मैंने छील लिया है। और अब इसमें थोड़ा सा चीनी डाल देती हूँ परवल में, मतलब मसाले में, क्योंकि निरामिष की सब्ज़ी में थोड़ा सा चीनी डाला हुआ अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी लगता है। ये बस थोड़ा सा डाल रही हूँ, दो चार दाना, दस पंद्रह दाना। तो ये मेरा मसाला फ्राई हो गया है, देख लीजिए आप लोग। अब मैं इसमें परवल आलू डाल देती हूँ। आलू को मैं पहले मतलब तोड़ लूँ, गोटा गोटा आलू है। ये मैंने तोड़ लिया है सारा को, अब मैं इसमें डाल देती हूँ। अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ पहले थोड़ा, फिर इसमें पानी डालूँगी। तो ये फ्राई हो गया है परवल आलू मसाला के साथ। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ थोड़ा सा। ये थोड़ा थोड़ा ग्रेवी टाइप का ही बनेगा, क्योंकि पूरा फ्राई बनने से फिर पंडित जी को खाने में दिक्कत हो जाएगा और बाकी घर के सारे लोगों को भी। तो मैं इसमें थोड़ा फ्राई डाल थोड़ा पानी डाल देती हूँ अब। ये मैंने लगभग एक गिलास पानी भी डाला है, और देख लेती हूँ अगर और लगेगा तो थोड़ा और डाल दूँगी। अभी मैंने इसमें मिर्ची पाउडर नहीं मिलाया है, क्योंकि मेरा बेटा मिर्ची नहीं खा पाता है। पहले मैं उसके लिए निकाल लूँगी थोड़ा, फिर मैं मिर्ची डालूँगी इसमें। तो ये जो बड़े बड़े आलू के टुकड़े हो गए, मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया है ये। लगभग मैंने इसमें एक ग्लास और एक कप पानी डाला है, ठीक है। अब मैं ये खौल जाएगा, फिर मैं इसे निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में। तो देखिए, ये परवल आलू का पानी जो मैंने डाला था, ये अच्छे से खौल गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, ठीक है। मतलब ये परवल आलू बन गया है, कम्प्लीट हो गया है, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा ये रेसिपी, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है।
मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैंने जो पंडित जी को भी खिलाया वो भी मैंने उसमें दिखा दिया है, मैंने नहीं मेरे हस्बैंड ने खिलाया है। और आप लोग को हो सकता है मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। थैंक यू, बाय।